डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, नोएडा में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल गिरी, 4 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मंगलवार सेक्टर 21 की जलवायु विहार सोसाइटी में एक दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। मलबे के नीचे दबे 12 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हादसा मंगलवार सुबह करीब 10 बजे के करीब हुआ। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने फौरन पुलिस को सूचना दी और कुछ ही देर में पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। हादसे के बाद स्थानीय लोग भी प्रशासन के साथ रेस्क्यू में शामिल हो गए। हादसे पर DM सुहास LY का कहना है कि नाली का रिपेयर कार्य किया जा रहा था। नोएडा अथॉरिटी ने इसका ठेका दिया था, मजदूर काम कर रहे थे। जब दीवार से ईंट निकाली जा रही थी तब ये हादसा हुआ। नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और DM सुहास LY ने जिला अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की है। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।